नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं एजेड न्यूज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें, जनपद बाराबंकी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। पार्टी के राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन ने कहा, अमरीकी साम्राज्यवाद, फिलिस्तीन और हमास इसराइल में अपने हथियारों से मानव जाति को मरवा रही है। हथियार अमेरिकी है, मुनाफा उनका मुख्य धर्म है। प्रदर्शन के पश्चात जिला अधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा गया और मांग की गई कि वह व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर नरसंहार रुकवाएं। फिलिस्तीन, हमास और इजराइल को लेकर एक बड़ा महासंहार किया जा रहा है और दोनों या तीनों ग्रुपों की वर्दियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उनके औजार अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। ये नरसंहार आधुनिक दुनिया में मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है और मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए उत्तेजना और इस तरीके की कार्रवाइयां निंदनीय हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप कर नरसंहार को बंद कर दे। इस प्रदर्शन में पार्टी के राज्य परिषद सदस्य परवीन कुमार, सचिव ब्रजमोहन वर्मा, कोषाध्यक्ष शिवदर्शन वर्मा, किसान सभा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार सिंह, राम नरेश वर्मा, राजेंद्र बहादुर, एडवोकेट श्याम सिंह, एडवोकेट दीपक वर्मा, दीपक शर्मा, संदीप तिवारी, सूर्य प्रकाश वर्मा, रणविजय सिंह, जितेंद्र श्रीवास्तव, जीतू भैया, आशीष वर्मा, महेंद्र यादव, धर्मेंद्र शर्मा आदि लोग प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो निंदुरा से आ रही है, जहां पर बड्डूपुर कोतवाली में दो उपनिरीक्षकों का तबादला हो गया। स्थानीय लोगों ने कार्यों की सराहना करते हुए उनको विदाई दी। आपको बता दें कि बड्डूपुर कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक श्रीनाथ यादव व उपनिरीक्षक राकेश यादव का तबादला होने के पश्चात बड्डूपुर थाने पर कार्यक्रम के माध्यम से लोगों ने कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें विदाई दी। इस दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर उप निरीक्षकों को विदा किया। विदाई कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों के साथ साथ थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।